हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन की यहाँ पे पाठ्य योजना, जो कि आपके क्लास एट्थ के लिए आप बना सकते हैं, बहुत आसानी से इस चैप्टर को पढ़ा सकते हैं। और अगर वीडियो के बाद आप लोगों को वीडियो से लाभ मिलता है देखने के बाद, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसी वीडियो डेली बेसिस पर देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पाठ्य योजना की वीडियो। देखिए, सबसे पहले आप सभी को लिखना होता है, आपने अगर मेरी वीडियोस देखी होंगी कभी तो आप सभी को मैंने बताया हुआ डिटेल में कि सबसे पहले आप लोगों को जिस पेज से पाठ्य योजना लिखना होता है उसके बीचों बीच इस तरीके से दैनिक पाठ्य योजना या फिर पाठ्य योजना जो भी आपके कॉलेज वाले कहते हैं वो लिखिएगा। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे, कक्षा आठवीं है। विषय सामाजिक विज्ञान का है, कालांश यहाँ पे देखिए दिनांक लिखना है जिससे ये पता चलता है, जो भी डेट होगा वो लिखिएगा जिससे ये पता चलता है कि किस डेट में आपने कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। कालांश यहाँ पे लिखना होता है यानी कि पीरियड का नंबरिंग करना होता है, जिस भी पीरियड में जाएंगे उसकी नंबरिंग करनी होती है, कालांश को ही चक्र कहते हैं, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। समय अवधि है 35 मिनट का और हमारा जो आज का प्रकरण वो है कृषि पद्धतियाँ, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है प्राप्य उद्देश्य, इसी को ही विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं, ठीक है। उसकी दूसरी तरफ दो कॉलम बनाते हैं, पहले में प्राप्य उद्देश्य लिखिए या फिर विशिष्ट उद्देश्य लिखिए, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। यानी कि ये चैप्टर जो है कृषि पद्धतियाँ, ये चैप्टर पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, आप क्या अपेक्षा करते हैं कि बच्चों में किस प्रकार का बदलाव होगा। तो यहाँ पर पहली हेडिंग है ज्ञानात्मक, इसमें देखिए लिखा गया विद्यार्थी कृषि पद्धतियों का प्रत्यास्मरण करेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी कृषि पद्धतियों का प्रत्याभिज्ञान करेंगे। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे हेडिंग अवबोध, इसमें देखिए लिखा गया पहला पॉइंट विद्यार्थी कृषि पद्धतियों की व्याख्या कर सकेंगे। अगला पॉइंट है विद्यार्थी कृषि पद्धतियों से संबंधित गहनताओं में परस्पर विषमताएँ समझ सकेंगे। अगली हेडिंग यहाँ पर ज्ञानोपयोग, इसमें देखिए लिखा गया विद्यार्थी कृषि पद्धतियों से संबंधित ज्ञान द्वारा समाज को लाभान्वित कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी कृषि पद्धतियों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में प्रयोग कर सकेंगे। और तीसरा पॉइंट है इसमें विद्यार्थी कृषि पद्धतियों से प्राप्त जानकारी का सामान्यकरण कर सकेंगे। अगली हेडिंग है कौशल, इसमें लिखा गया फर्स्ट पॉइंट विद्यार्थी कृषि पद्धतियों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी कृषि पद्धतियों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थी कृषि पद्धतियों से संबंधित चित्रों तथा चार्टों का संकलन व संग्रहण करेंगे। अगली हेडिंग है अभिरुचि, इसमें देखिए लिखा गया विद्यार्थी कृषि पद्धतियों से संबंधित तथ्यों के बारे में रुचि ले सकेंगे। दूसरे पॉइंट है इसमें विद्यार्थी कृषि पद्धतियों की गतिविधियों के प्रति रुचि प्रकट कर सकेंगे। लास्ट हेडिंग इसका विशिष्ट उद्देश्य का अवृत्त, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा गया विद्यार्थी कृषि पद्धतियों के प्रति सकारात्मक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें विद्यार्थी सामाजिक एवं वैज्ञानिक मूल्यों में विश्वास प्रकट कर सकेंगे। अब आता है आपका अगले हेडिंग शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आपको उन सभी सामग्रियों के बारे में लिखना होता है जिसका आप प्रयोग करते हैं शिक्षण कार्य करते समय। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया कृषि की विभिन्न पद्धतियाँ जैसे जुताई करना, बुआई करना का चार्ट बना के ले जाइए, लपेट फलक यानी कि रोलिंग बोर्ड ले जाइए, डस्टर ले जाइए, चौक ले जाइए, संकेतक हो गया, एवं समस्त कक्ष उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री, इसके अलावा भी कुछ भी यूज करते हैं तो इसके अंतर्गत आ जाएगा। अगली हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखा गया विद्यार्थी फसल तथा उसके बारे में विस्तृत तथा कृषि पद्धतियों की सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है लेसन प्लान का अगला हेडिंग, यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न, थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला बच्चे ने भेजा है तो ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक चीज़ पढ़ लूँगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। प्रस्तावना प्रश्न है, एक तरफ कॉलम बनाइए छात्र अध्यापक क्रियाएँ, दूसरी तरफ कॉलम बनाइए छात्र क्रियाएँ। इसमें बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका उत्तर देंगे, उस उत्तर से दूसरा प्रश्न बनाएंगे। तो पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे, एक ही प्रकार के पादपों का एक निश्चित ऋतु में भूमि में लगाना क्या कहलाता है, बच्चे बोलेंगे फसल इसको कहते हैं। दूसरा प्रश्न फिर फसल से बनेगा, फसल से संबंधित विभिन्न कार्य कौन कौन से हैं, कौन करता है, तो बच्चे बोलेंगे किसान। तीसरा प्रश्न है किसान द्वारा फसल बोने से पूर्व खेत तैयारी से लेकर फसल मंडी में पहुँचाना क्या कहलाता है, बच्चे बोलेंगे उसको फसल उत्पादन कहते हैं उसको। फिर चौथा प्रश्न है फसल उत्पादन में किए जाने वाले विभिन्न कार्य को क्या कहते हैं, बच्चे बोलेंगे कृषि पद्धतियाँ। और पांचवा प्रश्न है कृषि पद्धतियों के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे ही समस्यात्मक प्रश्नों का अपना उद्देश्य कथन बोलिएगा, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे इसी पेज में थोड़ा सा बस मिस्टेक है, इसी पेज में थोड़ा सा धुंधला है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। तो यहाँ पे उद्देश्य कथन देखिए बोला गया, बच्चों आज हम कृषि पद्धतियों को विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब अगली हेडिंग डाली यहाँ पे प्रस्तुतिकरण, इसको यहाँ पे टोटल पांच कॉलम में डिवाइड किया गया है। पहला कॉलम यहाँ पे देखेंगे तो शिक्षण बिंदु है, दूसरा कॉलम छात्र अध्यापक क्रियाएं, तीसरा कॉलम छात्र क्रियाएं, चौथा कॉलम है शिक्षण विधियाँ या फिर प्रविधियाँ, उससे लास्ट में श्यामपट सार। पहला शिक्षण बिंदु है मिट्टी तैयार करना, विकासात्मक प्रश्न है। प्राणी को भूख कहाँ महसूस होती, बच्चे बोलेंगे पेट में। दूसरा प्रश्न है हमें पेट भरने के लिए क्या चाहिए, बच्चे बोलेंगे रोटी सब्जी आदि।
भोजन चाहिए ऐसे कहेंगे। फिर तीसरा प्रश्न है, रोटी व दलिया बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बच्चे बोलेंगे गेहूँ, मक्का, बाजरा आदि का। चौथा प्रश्न है, गेहूँ उगाने के लिए किसान सबसे पहले कौन सा क्रियाकलाप करता है? बच्चे बोलेंगे मिट्टी को तैयार करता है। और पांचवा प्रश्न है, मिट्टी किस प्रकार तैयार की जाती है? बच्चे नहीं बता पाएंगे, संभावित उत्तर हो जाएगा ये प्रश्नोत्तर प्रविधि थे, तो प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए प्रविधि वाले कॉलम में। अब छात्र अध्यापक कथन में इसके बारे में बताएंगे आप। फसल की बुआई से पहले किसान सर्वप्रथम मिट्टी को तैयार करता है, हल अथवा ट्रैक्टर चलाकर मिट्टी को ढीली करता है, फिर मिट्टी द्वारा यहाँ पे उसमें मिट्टी द्वारा बीजों को अंकुरित सरलता से होता है तथा नए पौधों को के जड़ आसानी से गहराई तक पहुँच जाते हैं और आसानी से श्वसन कर पाते हैं। मिट्टी तैयार हो जाने के बाद लाभदायक सूक्ष्म जीव केचुए इसमें उनकी वृद्धि होती है। मिट्टी में हल चलाकर टहल टहल कर उसको ढीला बनाया जाता है। छात्रों वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा चार्ट को ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहाँ पे किसान का चित्र बना के ले जाइए आप हल जोतता हुआ। व्याख्यान विधि तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए, और श्यामपट पे जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको श्यामपट पे लिखा गया है। मिट्टी में हल चलाकर टहल टहल कर किया जाता है इसे, जिसमें मिट्टी पीली होती है। पीली मिट्टी फसल उगाने के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक है। बहुत प्रश्न है, मिट्टी की उलट पुलट कर कैसा बनाया जाता है? बच्चे बोलेंगे ढीला। दूसरा प्रश्न है, मिट्टी में हल चलाकर उसे ढीला बनाना क्या कहलाता है? बच्चे बोलेंगे जुताई। ये प्रश्नोत्तर प्रविधि, प्रश्नोत्तर लिख दीजिए। अब नेक्स्ट चलते हैं अगले विशिक्षण बिंदु पर। देखिए अब यहाँ पे सब सही दिखेगा आपको, बुआई करना। विकासात्मक प्रश्न है, ट्रैक्टर द्वारा हल चलाकर किसान क्या करता है? बच्चे बोलेंगे मिट्टी तैयार करता है। दूसरा प्रश्न है, किसान मिट्टी क्यों तैयार करता है? बच्चे बोलेंगे फसल उगाने के लिए। तीसरा प्रश्न है, फसल उगाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बच्चे बोलेंगे बीजों की। चौथा प्रश्न, बीजों की को भूमि में उगाना क्या कहलाता है? बच्चे उसको नहीं बता पाएंगे, संभावित उत्तर हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर आप अपना छात्र अध्यापक कथन फिर से बोलेंगे। बीजों को भूमि में उगाना क्या कहलाता है? यहाँ पे छात्र अध्यापक कथन में, किसान खेत की जुताई करने के बाद खेत में बोई जाने वाली फसल के बीजों की बुआई करता है। किसान खेत में बीज बोने से पूर्व उत्तम किस्म के बीजों का चयन करता है। उत्तम किस्म के बीज स्वस्थ होते हैं, जिससे अधिक फसल का उत्पादन किया जा सकता है। बीज बोने के लिए परंपरागत विधि बैल से हल जोतकर तथा आधुनिक औजार सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे चार्ट में देखिए बना के, यहाँ पे किसान हल जोत रहा है और बीज बो रहा है। व्याख्यान विधि लिख दीजिए। श्यामपट पे जो आपने यहाँ पढ़ा उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखिए लिखा गया है, देख के लिख लीजिएगा। बहुत प्रश्न है, बुआई करने का आधुनिक औजार? बच्चे बोलेंगे सीड ड्रिल। दूसरा प्रश्न, खोखले व हल्के खराब बीजों की पानी भरे बर्तन में क्या प्रक्रिया होती है? बच्चे बोलेंगे वो बीज खराब वाले तैरने लगते हैं। अब तीसरा शिक्षण बिंदु है, खाद एवं उर्वरक देना। विकासात्मक प्रश्न है, अधिक फसल उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है? बच्चे बोलेंगे फसल की भली भांति वृद्धि हो। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे फसल की भली भांति वृद्धि के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए? बच्चे बोलेंगे उपजाऊ होनी चाहिए मिट्टी। तीसरा प्रश्न, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बच्चे बोलेंगे खाद व उर्वरक की। चौथा प्रश्न, खाद व उर्वरक क्या है? बच्चे नहीं बता पाएंगे, संभावित उत्तर हो जाएगा ये प्रश्नोत्तर प्रविधि थी, प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए। यहाँ पे छात्र अध्यापक कथन में इसके बारे में बताएंगे, मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने या मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए कुछ पदार्थ मिट्टी में मिलाए जाते हैं, जिन्हें खाद व एवं उर्वरक कहते हैं। खाद प्राकृतिक एवं जैविक हैं, परंतु उर्वरक कृत्रिम पदार्थ हैं। प्राकृतिक खाद खेतों में बनाई जाती है, जैसे गोबर की खाद व बर्मी कंपोस्ट खाद। उर्वरक फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट, यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटास आदि। खाद में ह्यूमस की, आगे पढ़ते हैं अभी, तब तक ये दिखा देते हैं। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। व्याख्यान विधि तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए, और अपने छात्र अध्यापक कथन का इंपॉर्टेंट पॉइंट सैंपल पर लिख दीजिए। मात्रा अधिक होती है तथा ये मृदा की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाते हैं, अतः जैविक खाद का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। बहुत प्रश्न है, खाद श्रेष्ठ क्यों है? या मिट्टी का पुनर्गठन करने का काम करती है, सक्षम होते हैं इसमें। दूसरा प्रश्न है, एक उर्वरक का उदाहरण दीजिए, यूरिया। इसका आंसर मिलेगा, ये प्रश्नोत्तर प्रविधि, तो प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखिए। फिर मूल्यांकन यहाँ पे प्रश्न है, पहला, खेत में हल चलाने के आधुनिक साधन -- हल या फिर ट्रैक्टर? तो आप सभी को पता है ट्रैक्टर है आधुनिक। निम्न दूसरा प्रश्न, निम्न में से प्राकृतिक खाद नहीं है, तो प्राकृतिक खाद कौन सी नहीं है? आप सभी को पता है कि पोटास जो है वो कृत्रिम है। तीसरा प्रश्न, मिट्टी में रहने वाले लाभदायक सूक्ष्म जीव केचुओं की वृद्धि करने के लिए में पोली मिट्टी सहायक है? बिल्कुल सही। चौथा प्रश्न, यहाँ पे जैविक खाद के क्या लाभ हैं? पाँचवा प्रश्न, मिट्टी की को पोली करना क्यों आवश्यक है? गृह कार्य है, पहला प्रश्न दिया गया गृह कार्य के लिए। कृषि पद्धति से आप
क्या आशय है इसका आशय बताइए। और दूसरा प्रश्न, कृषि की प्रथम व द्वितीय पद्धतियों का वर्णन कीजिए। परीक्षक टिक पढ़िए नीचे। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। अगर आज का लेसन प्लान आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।